150 है, 300-450 रुपये, मतलब 450 रुपये खैनी है माशाल्लाह, खाओ खाओ। तो चलो चलते हैं, इनको छोड़ेंगे, छोड़ के रूम पे 450 खैनी खा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप सब मस्त होंगे, हम भी मस्त हैं। मेरा नाम है साजिद, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी सऊदी में है और मदरसा ड्यूटी, मतलब सुबह सुबह मदरसा चालू हो गया है, सुबह के 6 बज रहा है। अभी माहौल कुछ मोहल्ला कैसा है क्या है ना, कि मदरसा चालू है तो लग रहा है कि सऊदी में, जैसे सऊदी गांव में लोग हैं, नहीं तो मदरसा बंद रहता है ना, तो लगता है ऐसा कि साला कोई है ही नहीं, पूरा सुन सन्नाटा, एक भी आदमी रोड पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी मदरसा चालू है, सुबह सुबह पूरा मोहल्ला में हल्ला हुरदुम रहता है, गाड़ी आते जाते रहते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कोई है ही नहीं मोहल्ला में। और हम भी आ गए गाड़ी में, अपना गाड़ी चालू करते, अभी जाना है मदरसा में, छोड़ने मदरसा। ठीक है, तो आज बताते हैं, पहले क्या था मदरसा बंद था तो 2 बजे दिन में उठते थे, 2:30 बजे ड्यूटी लगता था, अभी मदरसा चालू हो गया, 6 बजे उठ गए हैं, सुबह का 6 बज रहा है, 6 बजे सब देखाओ बताते कितना ड्यूटी करना पड़ेगा, 6 बजे कितना बजे तक ड्यूटी होगा। तो थोड़ा गाड़ी है ना, गाड़ी तो मालूम है आप लोग को, गाड़ी है पुरानी 2000 मॉडल, अब इसके इंजन में पानी चेक करना पड़ेगा, डालना पड़ता है रोज, नहीं तो कभी कहाँ बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं, तो पानी डाल के मिलते हैं आप लोगों से। हो गया मदरसा खलास, दोपहर का 12 बज गया है, सुबह 6 बजे से लगे थे, 12 बज गए। तो अभी दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है सोना और दूसरा है नाश्ता करना, समझ में नहीं आ रहा नाश्ता करें कि सोएं। और एक चीज़ आप लोग को बता रही, ये घर दिख रहे, ये घर वाले मतलब एक अंकल है, चाचा की उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, अभी इधर गाड़ी लगाते हैं, है नहीं अभी लग रहा है मदरसा गए हैं। तो हम जा रहे थे ऐसे ही गाड़ी लगा के, तो हमको बुलाए, हम बोले गए, तो बोले क्या नाम है तुम्हारा, हम नाम बताए अपना, उसके बाद से पूछे तुम्हारा कपिल का क्या नाम है, उसका भी नाम बताए। तो हमको लगे क्या पूछ रहा है, क्या बात है, हमको लगा कोई उधर, हम कभी कभी गाड़ी लगाते हैं ना उसके घर के साइड में लगा देते थे, तो बाद में वो बता रहे हमको कि इधर जितना घर है ना, ये सब घर किसी को हम नहीं जानते हैं, ये मेरा घर है और हम इधर रहते हैं, लेकिन ये किसी को जानते नहीं, किसी का नाम नहीं जानते हैं। हम यार कन्फ्यूज हो गए सुन के ये बात, चलो अपने गाँव में एक आदमी 4-4 को गांव का लोग के नाम जानता है, पहचानता है, इधर के देखो ना, इधर ये बोला हम अपना पड़ोसी के नहीं जानते हैं, नाम नहीं। यहाँ पे क्या है ना, सऊदी में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, कौन क्या कमा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए धूप ज़्यादा है, वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है मालूम नहीं चल रहा है। चलते हैं रूम में और मिलते हैं, 2:30 बजे फिर ड्यूटी है, तो 2 घंटा है मेरे पास, 2.5 घंटा, तो सोने का दिल कर रहा है, सो जाते हैं 2.5 घंटा, तो फिर मिलते हैं आप लोग से ड्यूटी में। लगने वाला था ड्यूटी, जाने वाली थी मैडम, गई नहीं, मतलब काम वम करने, जॉब वॉब करती है ना, तो उसको छोड़ना पड़ता है रोज़ 2 बजे, 2:30 बजे छोड़ना पड़ता है, गई नहीं। अभी 3:30 हो रहा, 3:25 हो गया, चलते इस तरह में, और दिखा रहे इस तरह का रेंट, आज बता रहे कि इस तरह का, एक इस तरह का रेंट कितना होता है, जैसे रोज़ का रेंट और सालाना रेंट, यहाँ पे महीना का रेंट नहीं चलता, जैसे इंडिया में चलता है ना, कोई तुम फ्लैट ले लिए कोई, ये इंडिया का तरह नहीं है, जैसे है ना इंडिया में महीना पर, जैसे हर महीना पे करना पड़ता है रेंट, रूम रेंट हो, दुकान रेंट हो, या फ्लैट हो, कुछ भी है तो हर महीने पे करना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है। तो सऊदी में ये सिस्टम नहीं है, सऊदी में क्या है ना, तो यहाँ पे 1 साल पे होता है, 1 साल 6 महीने पर, मतलब ज़्यादातर एक साल पे ही होता है, 1 साल पर पैसा मतलब दिया जाता है। तो मेरा कपिल है ना, तो इस तरह लिया है, पहले इस तरह नहीं लिया था, अभी लिया है, तो चलते इस तरह, तो बताते आप लोग इस तरह का रेंट कितना है, कितना मतलब जगह कितना है, देता कितना पैसा है, इंडिया कितना है और सऊदी है कितना है, तो कुछ व्यू देख लीजिए आगे का। रोड का व्यू है, रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे रूम से बस थोड़ा सा 3 किलोमीटर होगा बस, तो अच्छा है, आराम से गाड़ी चालू करो और
और जाओ देखो क्या घूम के आओ, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कॉल किया था, बोला किधर हो, बोले जा रहे हैं, तो बोला ठीक है जाओ। यहाँ पे रोड के साइड में खजूर का पेड़ दिख जाएगा आपको, उसके बाद जैतून मालूम है ना, जैतून, जैतून का पेड़ है, अभी जैतून आ रहा है, छोटा छोटा जैतून है, हम आप लोग को अभी दिखाएंगे। अभी सब पेड़ पे जैतून आ गया है, खजूर भी आ गया है, और ये बरेकर है, बरेकर भी यहाँ पे बड़ा बड़ा बरेकर एकदम सरों में। अब यहाँ से राइट लेंगे, जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ से राइट लेंगे, उसके बाद से किसारा पड़ेगा, उसके बाद से मेरा इस तरह पड़ जाएगा, मेरा ही है भाई, हम ही देखते हैं ना उसको, तो मेरा ही हुआ। अभी थोड़ा सा इंडिकेटर दे दे, बिना इंडिकेटर के गाड़ी नहीं घुमाने का सऊदी में, पीछे वाला बहुत जोड़ के झटका मारेगा। ये सब गांव है, जैसे हम लोग मोहल्ला नहीं होता, मोहल्ला वही मोहल्ला वाला रोड है, मोहल्ला है, गांव, गांव बोलो, गांव ही चलता है, तो ये गांव है, ठीक है। और इस तरफ पहाड़ी है, इधर गांव है, चारों तरफ हायल जो सिटी है ना, हायल सिटी अक्सर ज़्यादातर पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे बसा हुआ है, गांव सिटी जो भी बसा हुआ है पहाड़ पे ही है, दिख रहे हैं पूरा पहाड़ है, इधर जितना दिखेगा ना पहाड़। इधर ट्रक व्रक पार्किंग करते हैं लोग, मतलब जो भी इंडिया पाकिस्तान की जिसका भी ट्रक है, पानी का ट्रक, पानी टैंकर वंकर जो भी है। और बोले थे ना कि सारा आएगा, अब ये सारा है, अब यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो सीधा अपना इस तरह में पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा भाई इंडिया में, हम बताएं ना अगला वीडियो में, इंडिया में गाड़ी में गाड़ी चिपका देते हैं, चिपका मतलब सटा देते हैं, देखो हम कितना दूर पर रोके हैं, वो भी उतना ही दूर पर रोका है, तो सब डिस्टेंस उतना ही लगा के रखते हैं, 5 फीट 6 फीट, अच्छा है भाई, क्या मुश्किल है, जब होगा सिग्नल होगा तो फिर निकलो जल्दी जल्दी। और यहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग है, ये क्या किस चीज़ के पेड़ है, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे इस तरह, चल तो मिलते हैं इस तरह में, बताते हैं कितना रेंट है और कितना जगह का हो गया सारा। देखो ये भी इस तरह है, ये बुहारा इस तरह है, ठीक है, ये बुहारा इस तरह है, इसका गेट है उधर से, और ये मतलब मेन रोड, इधर भी रोड है और ये भी है, तो ये इस तरह के जो रेंट है ना, एक दिन का रेंट है जैसे 1500 1600 1000, जैसे मतलब जो भी पार्टी आ जाए, रोज का बुकिंग होता है इसमें, अपना सऊदी लोग आते हैं और पार्टी वार्टी करते हैं, परिवार और मतलब फैमिली रिश्तेदार जो भी आगे बैठे हैं, और खजूर का पेड़ है माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, तो इसका रेंट है एक दिन का, जैसा भी पार्टी आ जाए, ये बताते हैं भाई कि जैसा पार्टी आ जाएगा वैसा मतलब पैसा लिया जाएगा, 1000 से 1500 800, और गाड़ी भी लगा दी पार्किंग में। और इधर मेरा वाला इस तरह है, ठीक है, ये पूरा लाइन से ना इस तरह है, ये गाड़ी दिख रहा है ना, वो पेड़ भी दिख रहा है, वो सब इस तरह है, ये सब गेट है, एक ये गेट है, ये इसका खुला हुआ है, एक उधर भी गेट है, इसका अलग रेंट है, उसका जो रेंट था ना, उसका रेंट एक दिन का वही बताए वही है, और इसका अलग, इसका अंदर चलते बताते हैं, गेट खोलना पड़ेगा। जो इस तरह है ना, ये मेरा कपिल लिया है, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना है इधर, और इधर मेन गेट है। और एक चीज़ आप लोग को दिखा रही है, ये मोटर है यार, ये मोटर है, ठीक है, इतना बड़ा मोटर है, बस इतना बड़ा मोटर है, इतना मतलब डेंजर मोटर है, इसका पावर बहुत है, और जब ये एयर लेता है ना, तो एक बार यहाँ बॉटम टिप दो, एयर खलास, चलना शुरू हो जाता है, जैसे पानी ख़त्म हो गया, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑन है, और मालूम नहीं है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये ऑन है, देखो ऑन है इधर, ये चल रहा है, अभी यहाँ से खोलेंगे ना, यहाँ से पानी आने लगेगा, तो इतना ज़बरदस्त मोटर हम भी इंडिया में तो नहीं देखे, यहाँ देखे अच्छा है, तो ये देखिए, ये इतना जगह है, और एक बात से ये मजलिस है, और इधर वेस्ट एरिया है, तो एक छोटा सा गेट है, और एक ये रूम है, अभी चलते हैं इधर मजलिस में अंदर दिखाते हैं, इसको मजलिस बोलते हैं जो बैठने वाला होता है इन लोग का, ठीक है। तो इधर ये भी सुगा एक, वो तो आप लोग को मालूम है, जो भी वीडियो देखते हैं बराबर उन सबको मालूम है। और इधर टीवी है, और पूरा रात के पार्टी हुआ है, पूरा इधर लेबन ओबन का वो आता है ना, लेबन पुदीना और पानी डाल के, और उसके बाद से वो पीने वाला, गर्मी में पानी नहीं बनते, वो जूस बना के पीने, ये बोतल मतलब शीशा के, और इधर पूरा हुक्का का, वो शीशा वीशा पीते हैं ना सब लोग,
ये देखो अभी टीवी घर से उठा कर लेकर आया है। क्या हुआ है कि ये फुटबॉल का मैच होने वाला था, तो छोटा वाला टीवी है, उस पर अच्छा नहीं लगेगा इन लोग को, मतलब मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो घर से ये मालूम नहीं कितना इंच का है, 64 इंच से ज़्यादा ही होगा, तो इसको लेकर आया और इसको बोला इधर रख दो मज़ा नहीं आ रहा देखने में। तो ये है, और इस और एसी किधर, एसी चालू कर दें, गर्मी हो रही है यार, चालू हो गया। अब आप लोग एक चीज़ और दिखा रहे हैं, ये रूम है, तो इसको इस रूम में कुछ हुआ थी है, सोफा ओफा है बस, और कुछ है नहीं। इधर कूलर वूलर रखा है, और ये किचन है, किचन में चाबी ऑलरेडी पहले से है। ये किचन मतलब इस किचन है, पहले इसमें कुछ नहीं था, ये भी अपना सा लाकर रखा है, फ्रिज भी अपना है, ये जो मतलब चूल्हा बोलते हैं ये भी अपना है, ये भी सब कुछ अपना ही है। आए और फिर इधर बाथरूम है थोड़ा सा, ये शीशा वीशा था, ये सब था, बस वो बीच में जो टेबल वो लगाया, बस ये बाथरूम है, और ये बस इतना ही है, इतना ही है। इतना का मालूम है रेंट कितना है? हमको नहीं मालूम था, हम पूछे भी नहीं थे, लेकिन मालूम चला 20,000 रियाल है एक साल का, 20,000 रियाल है तो इंडिया का 4 लाख, एक साल के 4 लाख रुपये इसका रेंट है 4 लाख रुपया रेंट है इसका, है मतलब सालाना है 20,000 रियाल, एक साल में 20,000 रियाल देगा। जैसे 5 महीने कट गया, अभी 5 महीने बाद इसको 20,000 रियाल देना पड़ेगा। तो जो बुहरा है ना, बुहरा जो इस तरह है लग रहा है उसी का, ये भी इस तरह है, तो ये रेंट पर लिया है 20,000 रियाल में, साल के 20,000 रियाल देगा, और बस यही है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है, और इंडिया का 4 लाख होगा सालाना, तो इन लोग के लिए महंगा नहीं, इन लोग के लिए सस्ता है, इन लोग के क्या है 20,000 रियाल है, हम लोग के लिए हम लोग का 4 लाख दिख रहे हैं, और इन लोग के बस 20,000। तो अभी थोड़ा चाय बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, पियेंगे और फिर मजलिस में रखेंगे, उसके बाद से निकलेंगे यहाँ से। अब देखते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो 20,000 सुन के हमको चक्कर आ गया था, 20,000 4 लाख सालाना, और है कुछ नहीं, तो एसी वैसी सब ये अपना ही लगाया, कुछ भी नहीं था इसमें, बस ये खाली घर था, बस इसमें ला कर जो भी लगाना है लगाओ, बस अपना लगाओ। तो फटाफट तभी चाय वो बनाए, चाय वो पिए, उसके बाद से मिलते आप लोगों से, देखते हैं कहाँ जाना है। काम हो गया खलास सब, और गुरुजी चाय पी रहे हैं, अभी निकलेंगे इधर से रूम पे, देखते हैं और कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है हम भी थोड़ा चाय लेंगे, निकलेंगे यहाँ से, काम खलास हो गया, बस सब क्लीन 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 क्लीन, इधर चाय और कॉफ़ी भी बना के रख दिए हैं, तो निकलते हैं हम भी रूम पे, मिलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है, इसके बाद क्या क्या करना है यार, देखते हैं इसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। बस इधर का तो काम खलास हो गया, सब लॉक करेंगे, मैसेज करेंगे, काम खलास, उसके बाद रूम पर जाएंगे, मैडम वैडम का फ़ोन आएगा, तो फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो आप लोग को भी दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आज घूमना है, क्या क्या करना है, बस पूरा दिन का ड्यूटी देख लो, कितना ड्यूटी, अभी मदरसा चालू है तो, और जब मदरसा चालू नहीं था तो बताएँगे लास्ट में क्या क्या था, अभी क्या क्या हो रहा है। थोड़ा हम भी कॉफ़ी वॉफ़ी ले लें और निकल, अभी इनको लेकर जा रहे हैं दुकान में, क्या लेना है, खैनी, खैनी लेना है, सबसे घटिया खैनी 15 रियाल बोल रहे हैं, सबसे घटिया खैनी 15 रियाल का आ रहा है, और क्या लेना है आपको, आप खबूस लेना है, खबूस मतलब वही रोटी लेना है, रोटी सुबह का रोटी होगा, सुबह का रोटी होगा, तो रोटी लेंगे और खैनी लेंगे, तो हमको बोलेंगे थोड़ा चलो मतलब सुपर मार्केट में लेना ही है, तो हम भी बोले चलो चलते हैं, और जल्दी चलो नहीं तो फिर फोन आ जाएगा ना, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, मैडम फोन कर दी, मतलब कोई फ़ोन कर देगा, तो भाई बोले लेना है, तो हम दिल नहीं तोड़ सकते ना, अपना भाई है पड़ोसी नेपाल वाले, तो नेपाल के भाई है, और नेपाल के लोग का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता है, क्या क्या बोलते हैं सही बात हुआ, ये लेंगे खैनी अपने लिए, कैसा खैनी है, ब्रांड वाला खैनी है कि वो पुड़िया वाला, वाह, और एयरपल्या
एयरप्लेन, हम तो खाते नहीं है ना खैनी, तो हमको मालूम नहीं इसके बारे में। एयरप्लेन इनको मालूम है, एयरप्लेन छाप है, छाप है, एयरप्लेन छाप के आएगा खैनी। अच्छा लेते हैं तो दिखाते हैं यार, मतलब खैनी वही आता है बांग्लादेश बांग्लादेश खैनी। ओए हरामी कल तमाकू लगा है। ये जो गेट है ना अंदर सुपरमार्केट है, बाहर से एकदम कचड़ा दिख रहा है, ठीक है, बाहर से बेकार दिख रहा है, अंदर से सुपरमार्केट है। गया भाई लाने के लिए, और सामने मस्जिद है, मीनार भी अच्छा है, मस्जिद भी अच्छा है। और इधर जाने के बाद ये सब हिंदी मार्केट है, इधर पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेश के सब लोग इधर मतलब रेंट पर लेकर रहते हैं, मतलब घर रेंट पर, रूम रेंट पर लेकर रहते हैं, काम वाम करते, कोई आजाद वीजा में है, कोई ऐसे दुकान है, किसी के कुछ है। तो ये मोहल्ला है अपना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं उन लोग का मोहल्ला है ये सब। देखो एक जा रहे पाकिस्तानी भाई, उधर से भी आ रहे, इधर भी दो पाकिस्तानी भाई बैठे हैं। मतलब ज़्यादातर आपको इधर ये एरिया में पाकिस्तान के लोग मिलेंगे। ये खैनी है, ए, हवाई जहाज है यार, पूरा अरबी में लिखा है, पलटो ना इसको पलटो। ये कहाँ का ब्रांड है भाई? इंडिया का। इंडिया का है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मुंबई का है यार। मतलब वो इंडिया में हुआ ना, मुंबई का मटेरियल है, और यहाँ पर भी सप्लाई हो रहा है, ब्लैक में हो रहा है ना, ब्लैक में यहाँ पर भी खैनी मिलता है, ब्लैक में मिलता है। तो यही है यहाँ खैनी, इतना खैनी 15 रियाल का है। कितना रियाल के लिए? 14 रियाल के लिए। और ये कितना दिन जाएगा मालूम है? कितना दिन जाएगा? एक हफ्ता में 300 रुपये। नेपाल के जा 30 का है, 10 का 300 हो गया, 150 है, 350 रुपये, मतलब 450 रुपये खैनी है। माशाल्लाह, खाओ खाओ। तो चलो चलते हैं, इनको छोड़ेंगे, छोड़ के रूम पे 450 खैनी खा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। तो अभी आ गए लेकर इधर कॉफ़ी शॉप की तरफ, हो गया 30 मिनट हो गए इधर आके बैठे हैं। तो उधर से आए थे इस तरह से, उसके बाद से इधर कॉफ़ी शॉप की तरफ आ गए। ये रूम से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे पूरा मतलब जितना रोड है ना उसके, जितना मतलब रोड में है, लंबा रोड है, 2 किलोमीटर का रोड है, उसमें सब में कॉफ़ी शॉप ही, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। तो आ गए कॉफ़ी शॉप की तरफ, लेकर पीछे कॉफ़ी शॉप है, उसमें सब मतलब बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। हम गाड़ी उल्टा लगा दी इधर, वो अच्छा नहीं, पूरा लोग इधर सामने बैठे हैं, तो हम क्या किए कि गाड़ी को थोड़ा उल्टा कर दिए, हम अच्छा नहीं लगता है ना। अब उधर ही कॉफ़ी पी रहे हैं, उधर ही चेहरा को अगर रखोगे ना तो अजीब लगता है। तो हम गाड़ी के उल्टा लगा दिए, पीछे मतलब कॉफ़ी शॉप है और हम रोड की तरफ गाड़ी कर दिए, दिखा रहे हैं। ये पूरा कॉफ़ी शॉप, आगे भी कॉफ़ी शॉप है, ये सब पूरा कॉफ़ी शॉप है, इधर पार्किंग गाड़ी लगी हुई है और ये कॉफ़ी शॉप है। देखो अब यहाँ 2 घंटा 1 घंटा तक तो बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैठेंगे, उसके बाद से देखते हैं कहाँ निकलना है। तो बस पानी है, और पानी से ज़िंदगी है, पीते रहो और बैठते रहो। हाईवे रोड है ये, लोकल हाईवे है, मतलब जैसे नहीं होता मार्केट का हाईवे, से राइट साइड में निकला है थोड़ा सा, ये भी हाईवे ही मान लेते हैं, जैसे मेन हाईवे है ना उधर से निकल के मार्केट में आया, तो ये भी हाईवे ही है। ये टोटल कॉफ़ी शॉप है, जितना है ना सब कॉफ़ी शॉप है। ये कॉफ़ी शॉप है, जिस कॉफ़ी शॉप में हम आए हैं ना, उसका नाम है JBR लॉन्गे कैफे। ये कैफे आटे, और इसका ये पार्किंग है, ये लो दिख गया सामने, तो हम भी दिखा दिए, देख लो यही कॉफ़ी शॉप है। और यहाँ का सबसे फेमस खजूर का पेड़ है। अभी इधर टहल रहे हैं, टहल, ये हाईवे रोड है, इधर का खजूर है, टावर है, और एक चीज़ है, इधर घर बन रहा है, ठीक है, कोई मार्केट वर्केट बन रहा होगा। सेफ्टी देखो कितना अच्छा है ना, बाहर से एक भी सामान रोड पर नहीं आएगा, अच्छा है, सेफ्टी है। तो कुछ सऊदी का भी शाम का व्यू है, शाम का देख लीजिए आप लोग, इतना गाड़ी कि बस देखते जाओ कितना गाड़ी है जाते। ये मतलब लोकल हाईवे बोलो, हाईवे टाइप के है, रोड है हाईवे। और ये देखो कूलर है पानी पीने वाला, ठीक है, इसमें देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, ठंडा पानी। तो कूलर है यहाँ पे, फ्री का पानी है, जिसको भी पीना है पी सकता है, अच्छा पानी है, और पानी भी पी सकता है,
डेयरी का पानी है, पानी पी सकते हो आराम से आप, कोई भी पी सकता है, जितना भी जिसको प्यास लगे पी, जिसको भी दिल करे ना वो पी सकता है पानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई सऊदी वऊदी लगाए होगा जिसका मतलब यहाँ पास में कोई दुकान हो या घर होगा वही लगाया होगा, आप आराम से यहाँ पे पानी पी सकते हो फ्री में, मुश्किल नहीं है। आम जैसे हम लोग हैं ना, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, बहुत सारे लोग हैं जिसको जो आदमी यूज करता है, कभी कोई बोतल में कोई डब्बा में भर कर रूम पर ले जाता है, और कोई ऐसे ही है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, देख आ गए इतना दूर, तो हॉल वॉल लिए और चल के गाड़ी में बैठेंगे थोड़ा। अभी आ गए ड्यूटी से, ठीक है, घर पे। अभी एक चीज़ दिखा रहे, ये दिख रहा है सब, एक पीछे वाला कैमरा से दिखा रहे हैं, दिख रहा है पानी सब, लोडिंग अनलोडिंग खुद ही करना पड़ता है भाई ड्राइविंग में, हाउ ड्राइवर में आओगे तो लोडिंग अनलोडिंग खुद ही करना पड़ता है। तो ये आधा घंटा लगा था इसको लोड करने में, अब इसको आधा घंटा लगेगा अनलोड करने में। देखते हैं, रख दे इसको, फिर मिलते हैं आप लोग से। मालूम है लोडिंग करने में पानी ना थोड़ा सा हालत ख़राब हुआ था, ठीक है, लेकिन गाड़ी पर से उतार के घर में रखने में ना हालत ख़राब हुई, पूरा पसीना पसीना हो गया है, कैमरा उतना दिख नहीं रहा है लेकिन हालत ख़राब है। तो ड्राइविंग में आना है तो हर ड्राइविंग में भाई रोज़ रोज़ नहीं, महीना दो महीना चार महीना पर एक बार थोड़ा सा मेहनत वाला काम करना पड़ता है। गाड़ी लगा दिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा उधर, गाड़ी लगा दी, अब चल रहे हैं रूम में। अब क्या करना है इस टाइम से, खाना वाना बनाएंगे और देखते हैं रात को कितना बजे ड्यूटी ख़त्म हो रहा है। अभी तो 8:30 हो रहा है, रात के 8:30 हो रहे हैं, अभी देखते हैं मतलब फाइनल कब खलास होता है। तो अभी रूम की तरफ निकल चुके हैं, कुछ ऐसा नज़ारा है, ये बलदिया वाले होते हैं ना जो मतलब ये सब कचड़े का डब्बा में से कचड़ा वचड़ा लेके जाते हैं, बलदिया गाड़ी है। अभी दोनों भाई को पानी पिलाए हम, बलदिया लालू के दी थी मैडम पानी हमको पीने के लिए, हम क्या कि इन लोगों को दे दिए, अब मेरा रूम तो पास में है ना तो हम पी लेंगे फिर। फाइनली 10 बज रहा है, अभी आ रहे KFC से, गए थे खाना वाना लाने गई थी तो उन्हीं लोग को लेकर, तो अभी KFC से लौटे हैं, अब जा रहे हैं रूम पे, गाड़ी उड़ी के चाबी अभी ले ली, लॉक कर दिए। तो कितना हुआ है ड्यूटी, सुबह 6 बजे से लगे थे, अभी 10 बज रहा है, तो 6 से 6 12 घंटा और फिर 4 घंटा 12 16 घंटा, एक दिन का 16 घंटा ड्यूटी हुआ है। अभी मतलब मदरसा चालू है, तो जब मदरसा चालू नहीं था ना तो 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था, 2 बजे से लगते थे दिन के और सुबह के 4 बजे ख़त्म होता था। तो अभी थोड़ा ठीक है, 2 घंटा कम है लेकिन सही है अभी। अगर आना है हाउ ड्राइवर में तो देख लो भाई, सोच लेना, ओवर टाइम नहीं है, ठीक है, फिक्स है सैलरी जो होगा वो फिक्स होगा, और 14 घंटा 16 घंटा 15 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। तो अब चलेंगे, अभी खाना बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद से थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल देखा जाएगा, वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो बस इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।